नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, होली का त्यौहार रंगों और गुलालों का त्यौहार है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, ऐसा इसके लिए बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी है कि असुर हिरण्यकश्यप जो कि अपने पुत्र को मारने के लिए, क्योंकि जिसका पुत्र था वो विष्णु जी के जो है कि उपासक था, और हिरण्यकश्यप जो था वो विष्णु जी का विरोधी था, तो अपने पुत्र को मारने के लिए उसने कई एक प्रयत्न किए। तो हिरण्यकश्यप की बहन ने बताया कि भाई, मुझे मुझे एक वरदान है कि अग्नि जो है कि मुझे जला नहीं सकती है। तो भाई हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ, तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसके बहन ने बताया कि मैं जो है कि प्रहलाद को जो है कि लेकर के जो है कि अग्नि में बैठ जाऊंगी, जिससे कि मैं तो नहीं जलूंगी, लेकिन ये जो है कि जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो यही उसने योजना बनाई, और जो है कि गलत मंशा के कारण ही जो होलिका का जो वरदान था वो उसका श्राप में बदल गया, और जो होलिका जो है कि उस अग्नि में जल गई, और प्रहलाद जी जो है कि सुरक्षित बच गए। तभी से जो है कि यह होलिका दहन मनाया जाता है, और होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कुछ आपको ये कैसा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।